आजमगढ़ में अपने कोटे की सीट अतरौलिया से प्रत्याशी का नामांकन करने आए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि एनडीए गठबंधन फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के मतदान एनडीए बहुत आगे चल रही है। यह सरकार पिछड़ों, दलितों, गरीबों के लिए नीति बनाकर चलती है, इसीलिए 2014 से यह सभी वंचित वर्ग लगातार एनडीए के साथ है और लोग वोटों का सौदा करते हैं, इसीलिए उनके पेट में दर्द होता रहता है। मछुआ समाज पूर्ण रूप से निषाद पार्टी के साथ है, उसे नीति चाहिए, नेता नहीं चाहिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि आजमगढ़ में इस बार एनडीए अभी 10 सीट जीतकर इतिहास में नाम दर्ज कराएगी। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। निषाद पार्टी को 15 सीट मिली है। जहां तक पश्चिम में आज प्रथम चरण के मतदान की बात है तो एनडीए ने जितना निर्धारित किया था उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी। पिछली सरकार की नाकामियों के चलते एनडीए के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं। सभी समुदाय इंडिया के साथ है। वह जब 2019 में साथ आए थे तो उस समय सपा व बसपा का बहुत बड़ा गठबंधन हुआ था, लेकिन तब भी डॉक्टर संजय निषाद चुनाव जीते थे। उसी प्रकार इस बार भी चुनाव जीतेंगे। पिछड़े नेताओं के बीजेपी के विरोध के जवाब में निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद पिछड़े हैं। पिछड़ों को नीति चाहिए। पिछली सरकारों ने कोई 5 नीति बनाई हो तो बताएं। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। इकट्ठे और हम लोग आजमगढ़ की दसों सीट जीतेंगे, इतिहास रच कर जाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी ये दो पार्टी चुनाव, तीन पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल, ये संयुक्त एनडीए लड़ रही है। हम लोग 403 विधानसभाओं पर लड़ रहे हैं और ऐतिहासिक जीत को आपने देखा होगा कि 2019 में लास्ट में मैं आया था, सपा बसपा का गठबंधन बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन उस समय जब डॉक्टर संजय खड़े हो गए तो ऐतिहासिक जीत आई थी 2019 में, उसी तरीके से 2022 में ऐतिहासिक जीत। आपका प्रत्याशी जब घोषित हुआ तो बड़ा विरोध हुआ उसका? नहीं, कोई विरोध नहीं, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं 70 साल। नहीं, निषाद समाज के लोगों ने, निषाद समाज वो कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे पार्टी से प्रेरित लोग हैं, जो इन वोटों के सौदे करते रहे पिछली दूसरे पार्टियों से, जिनकी दुकानें बंद रही हैं, जिनके लोग इसी पर उनकी जीविका चलती थी, उनके अंदर छटपटाहट थी। कुछ विरोधी जैसे हैं वो भी निषाद बन के आग लगाने काम करते हैं। आज के दिन में मछुआ समुदाय पूर्ण रूप से निषाद पार्टी के साथ है, उसे नीत चाहिए, नेता नहीं चाहिए, नीत चाहिए, और नीत बनाने के लिए हम लोग निषाद पार्टी का निश्चित रूप से 15 सीटें मिली हैं और निषाद पार्टी उस पर भोजन भरी थाली पर 10 सीटें के आसपास लड़ रही है, बाकी पर अगर बैकवर्ड।